राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि उपचुनाव में भारी हार के बाद अब मुख्यमंत्री की नींद खुली है। जहां जहां भाजपा के मंत्री और विधायक जा रहे हैं, हर जगह उनके ही कार्यकर्ताओं का उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। अब आने वाले चुनाव में आम जन भी भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा। 2018 में राजस्थान में चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार 4 साल के कार्यकाल को भाजपा इसे विकास के 4 साल के रूप में पेश कर रही है। इसी सिलसिले में वसुंधरा राजे लगातार प्रदेश के दौरों पर है, लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने वसुंधरा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि दमनकारी और भ्रष्ट सरकार है। लोकतंत्र में अपनी मांगों पर धरना प्रदर्शन करना आम आदमी का अधिकार है, लेकिन अनेकों बार ऐसे मौकों पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। 4 साल बाद आज मुख्यमंत्री दौरे कर रही हैं, लेकिन अब जनता में आक्रोश है। सब जगह मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, वो धरना देगा, प्रदर्शन करेगा। आप डीजीपी दफ्तर के बाहर उनके खिलाफ में पुलिस को कह रहे लाठीचार्ज करवाओ। बार लाठीचार्ज हो चुका है बीजेपी दफ्तर के बाहर, इस घर को छोड़ा इन्होंने। मुख्यमंत्री जी का जो सोच अहम का घमंड का है, अभी 3 चुनाव भारी बहुमत से हारने के बावजूद भी वो घमंड अभी तक गया नहीं है। जनता में जितना ऐसा व्यवहार रहेगा उनका, उतना आक्रोश बढ़ता जाएगा। आज उनके मंत्री की स्थिति हो गई है कि वो जाके जो उनको कहा गया आप जाके मीटिंगें करो, विधायकों को कहा गया आप जाकर के 10 दिन के दौरे करो क्षेत्र में, वो क्या दौरे करने लायक है? उनको एप्लीकेशन मिलती है तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? क्या वो बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में जो 15-15 दिन लेके गए थे मुख्यमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे भर भर के एप्लीकेशन आई, उनकी क्या स्थिति बनी? इसलिए आज जब राज जा रहा है, आप दौरे करने निकल पड़ी हो, आपको मालूम पड़ेगा जनता का मूड क्या है। कल कोटा में भी ऐसा ही हुआ, कटारिया जी मंच पर थे और एक कटारिया जी हो, चाहे वो हमारे बिजली मंत्री जी गए कल झालोर के अंदर, वहाँ पे उनके यूज का सामना करना पड़ा मीटिंग, मगर ये उठना पड़ा उनको कार्यकर्ताओं के गुस्से के कारण से। जहाँ जहाँ वो जाएंगे ऐसी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, विधायकों की सुनी नहीं है, हालात बड़े गंभीर बने 4 साल तक। अब जाके इनकी नींद खुली है, जब 3 चुनाव हार गए, 17 सेगमेंट में हार गए, तब जाके आगे बोलिए क्या हो गया। वो भी इनके हाईकमान के आदेश से ही सब बोल रहा है।